मिलाप के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वाराणसी में हम स्थान में दर्शन की टीवी में सुभरत महाराज का जो चरित्र है, जैसे कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि वैष्णवे क्रिया मुद्रा विघ्न न हो जाए, कि किसी वैष्णव को हम उसके बाहर से देख कर उसके विषय में निर्णय पर नहीं आ सकते। उसी प्रकार से भरत महाराज के बाहर से दिखने वाले कार्य और उनका जो मनोभाव भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए रहा वो बिल्कुल अपने आप में विपरीत था। और इस रामायण के इस अयोध्या कांड में हमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आती है कि जितने भी हमारे करीब के रिश्ते हैं वो हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। दशरथ महाराज के लिए केकई के साथ संबंध और भगवान राम के लिए संबंध, तो करीबी रिश्ते ही हमें सबसे ज्यादा दुख देने की संभावना उनमें रहती है। तो अयोध्या कांड हमें ऐसा संदेश देता है। तो जिस समय भरत महाराज प्रवेश कर रहे थे चित्रकूट के वन की ओर, वहां पर लक्ष्मण जी अपने स्वभावानुसार भरत महाराज और उनके साथ आई सेना को समाप्त कर देना चाहते थे। सो हालांकि भूव और भारद्वाज ऋषि दोनों से भेंट के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट के वन में आए थे और सभी ने भरत जी के ऊपर संशय प्रस्तुत किया था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को देखकर सभी भयभीत थे कि अगर भरत प्रेम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो सेना की क्या आवश्यकता, कुछ फूल लेकर जाएं तो समझ में आता है कि प्रेम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर आ गए हैं। तो उसे देखकर भूवा और भारद्वाज ऋषि दोनों के दोनों भरत जी के संग के इच्छा पे संशय प्रकट कर रहे थे, और यही देख के लक्ष्मण जी भी भरत के ऊपर संशय कर कर कह रहे थे भगवान राम से कि आप अंदर जाइए, मैं भरत और उसकी पूरी सेना से अकेले ही निपट लूंगा, उसको अकेले ही पराजित कर दूंगा और आज सारा काम यही खत्म कर दूंगा। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण ये मेरा भाई। तो वाल्मीकि महर्षि इस वाक्य को प्रस्तुत करते हुए लक्ष्मण जी की भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से भगवान राम ने इस शब्द के ऊपर महत्व देकर कहा कि लक्ष्मण ये मेरा भाई है, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कहा जा रहा है कि वो नहीं है उनके भाई। तो वो लक्ष्मण भरत जी पे संदेह कर रहे थे और भगवान राम लक्ष्मण जी को ये बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे मेरा वास्तविक भाई आया है और तुम उस पे संशय कर रहे हो, और तुम जैसे मेरे वास्तविक भाई नहीं। और राम ये लक्ष्मण जी को कह रहे हैं ये बात, और यही नहीं भगवान राम इसके आगे भी कह देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें राजा ही बनना था अयोध्या का तो मुझे पहले कह दिया होगा, इस सारे आयोजन की आवश्यकता ही क्या थी, मैं तुम्हारी इच्छा वैसे ही पूरी कर देता। तो अब लक्ष्मण जी जिन्होंने ऐसी निस्वार्थ सेवा भगवान राम की थी और उनके ऊपर
भगवान राम जो कि स्वभाव से बड़े मृदु हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को यहाँ पर वो बहुत डांटते हैं, और जिससे आप प्रेम करें और वो व्यक्ति प्रेम के बदले में अगर आपको डांट दे तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसे समय में वो बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इस व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करता हूँ और ये व्यक्ति मेरे ऊपर ही संदेह प्रकट करता जा रहा है। तो लेकिन लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम एक ऐसी परीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए पूरे रामायण में लक्ष्मण जी को बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा, और लक्ष्मण जी की महानता इस बात में थी कि वो इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी होते जा रहे हैं, और एक भी कारण ऐसा प्रस्तुत नहीं कर रहे थे जिससे वो अयोग्यता अपनी प्रदर्शित करें। और वैसे देखें तो परीक्षा आती उसी के जीवन में है जो योग्य हो, अयोग्य व्यक्ति के जीवन में भगवान परीक्षा नहीं देते, वो जानते हैं तो पहले गड़खड़ाया हुआ इसे एक दो टेस्ट और डाल दे तो भाग जाएगा सब कुछ छोड़ के जो घर में रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान ने माध्यम बनाया, उनके सामने इतने बड़े संदेह को प्रस्तुत करके कि उनका गुणगान पढ़ाने के लिए, कि ऐसी अवस्था में भी लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रेम करना नहीं छोड़ा। चाहे भगवान राम ने उन्हें कई कटु वचनों से उनके हृदय के गर्भ को तोड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रेम में भगवान राम के प्रति कोई कमी नहीं है। और यही चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाश्रम में भी कहते हैं कि चाहे वो कृष्ण मेरा आलिंगन करें या मुझे त्याग दे, लेकिन वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान हैं। तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी की भी भावना भगवान राम के प्रति बिल्कुल इसी प्रकार की दिखाई देती है, जहां पर भगवान राम उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं, उनपे संशय भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान राम के चरण कमलों को छोड़कर कहीं भी नहीं चल रहे हैं। ये जो उदाहरण है ये बड़ा अपने आप में असाधारण है, ऐसा बद्ध जीवों के जीवन में देखने के लिए नजर नहीं आता। तो बद्ध जीव का मतलब है जो अपने अहंकार से बंधा है, और जहां भी उसके अहंकार को ठेस लगेगी वो भगवान को क्या पूरी दुनिया को छोड़ देगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक बड़े शुद्ध भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और फिर जब भरत जी भगवान राम से मिलते हैं तो भरत जी एक और कोटि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपको जितने भी कष्टों से होकर गुजरना पड़ रहा है ये सारे के सारे मेरे पापों के कारण, तो मेरे पापों के परिणाम आपको भोगने पड़ रहे हैं। तो भरत जी की ये विनम्रता कि वो भगवान राम की ऊपर आई सारी कठिनाइयों को, उनके ऊपर आए सारे परेशानियों को अपने पापों को दोष देते हैं, यानी कि अपने आप को दोष दे रहे हैं उसके लिए। वो ना तो अपनी माँ को दोषी ठहराते हैं, ना भगवान दशरथ महाराज पिता को, वो स्वयं को अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं अगर हम लक्ष्मण और भरत जैसे महान लोगों के चरित्र को समझना चाहते हैं तो ये जो विचार है इन दोनों के चरित्र का, ऐसा व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। जो व्यक्ति भरत और लक्ष्मण के उदाहरणों को अपने जीवन में याद रखे वो आध्यात्मिक जीवन में कभी भी पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी साधना भक्ति में अधिकतर कठिनाई बाहर से नहीं हमारे अंदर से ही प्रस्तुत की जा रही होती है, यानी कि हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे अहंकार के पर। और लक्ष्मण और भरत इस के बड़े प्रतीक हैं अपने आप में। तो ये सब घटना इस चित्रकूट की लीला में नजर आई। और फिर जब भगवान, जब ऋषिगण
छोड़कर जा रहे थे चित्रकूट को, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि असुरों का प्रभाव चित्रकूट में बहुत बढ़ गया है और हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो भगवान राम भी माता सीता के पास आए और वो कहने लगे हम भी यहाँ से जा रहे हैं। और जब भगवान चित्रकूट को त्याग के चलते चलते पहुंचे पंचवटी, जहां पर जाकर उन्होंने अपना अगला पड़ाव लगाया, और इस पंचवटी में जाते ही भगवान के लिए एक नया उनकी एक लीला संपन्न होने जा रही थी, और वो क्या था? सुपनखा। तो ये सुपनखा कौन है? सुपनखा जो कि रावण की बहन, और ये सुपनखा नाम से ही सुप कहते हैं उसे, जो धान छानते हैं ना, तो सुप कहा जाता है। तो सुपनखा, नख मतलब नाखून, तो सुपनखा का जो ये नाम था ये इस प्रकार से था। एक तो नाखूनों की विशेषता है कि इसमें संवेदना नहीं होती किसी प्रकार की, ये बढ़ते जरूर है लेकिन जब आप इन्हें काटे तो आपको किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता। तो उसी प्रकार से सुपनखा यानी कि वो किसी के लिए भी संवेदनशील नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रकार से जैसे नाखूनों को ना तो आप जीवित कह सकते हैं ना मृत कह सकते हैं, ये दोनों ही परिस्थिति में नहीं है। उसी प्रकार से सुपनखा भी ना तो जीवित थी ना मृत थी, वो ना तो किसी के प्रति संवेदना रखती थी और ना ही उसको किसी से प्रेम आ गया। तो जब उसने भगवान राम के सौंदर्य को देखा तो वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम जो है गज विक्रांत गमनम, कि जब वो चलते थे तो जैसे गज यानी हाथी की जैसे चाल हो गई, ऐसे विशाल काय चाल, और व्याघ्र गति, तो भगवान ना ही गज गमन करते थे लेकिन व्याघ्र यानी कि शेर की भांति आक्रमक भी दिखाई देते थे, और ऋषभ गति, तो ऋषभ कहते हैं बैल को, तो बैल की अगर आप आंखें देखेंगे निकट जाके तो बड़ा सतर्कता से देखता है इधर उधर। तो उसी प्रकार से वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम ना ही गज के समान ना ही व्याघ्र के समान बल्कि वो ऋषभ के समान भी दिखाई देते थे। तो इतनी सारी उनके अंदर गुणों का भंडार दिखता था। तो जब सुपनखा ने भगवान राम के सौंदर्य का दर्शन किया तो वो सौंदर्य का दर्शन करके इतनी आकर्षित हो गई कि वो भगवान राम के पास आकर पूछती है प्रश्न कि आप कौन हैं। तो वाल्मीकि जी बताते सुपनखा दिखती कैसे थी, तो वो कहते पहले तो उसके बाल लाल लाल रंग के थे, जैसे आजकल लोग लाल लाल बाल करते हैं, ये सब सुपनखा टाइप है। तो लाल लाल रंग के उसके बाल, फिर उसकी आंखों का रंग तांबे की तरह था। तो ऐसी सुपनखा वो जब भगवान राम के पास आई तो वो कहती है आप कौन है। अब भगवान को ना जाने क्या सोचा, उन्होंने पूरी हिस्ट्री सुनाने शुरू कर दी सुपनखा को कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ और कौशल्या से मेरा जन्म हुआ है और मेरा जन्म एक यज्ञ से हुआ था और मेरे पिता इक्ष्वाकु वंश में आते हैं और मेरा विवाह हुआ इतनी आयु में सीता के साथ और वो मैंने एक महेश शाप को तोड़ा था परीक्षा में और मेरे गुरु हैं विश्वामित्र मुनि और ऐसा ऐसा करके पूरी स्टोरी सुना देते हैं। तो सुपनखा सुन रही है सारा इतिहास भगवान राम का कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद सुपनखा कहती है मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान राम कहते हैं मैं तो विवाहित हूँ, वो मेरी पत्नी सीता वहां बैठी है। तो देखिए सीता माता वहां थी, ये जो सुपनखा जब आई तो सीता वहां थी। तो जिस समय सुपनखा का ऑपरेशन किया गया उस समय सीता माता वहां उपस्थित थी, और भगवान कहते हैं लेकिन ये लक्ष्मण अभी तक विवाहित नहीं, तुम इससे पूछ सकते हो अगर तुम्हें विवाह करना हो। तो सुपनखा लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण कहते हैं ओ मिस यूनिवर्स, तो तुम्हारे जैसा तो तीनों लोगों में कोई सौंदर्यवान नहीं होगा, तुम्हारी सुंदरता की क्या बात की जाए, लेकिन अगर तुम उस
से विवाह करोगी तो तुम्हें मालूम है तुम क्या बन जाओगी, मैं तो एक सेवक हूं और पत्नी का मतलब है वो पति की सेविका है, तो तुम एक सेवक की सेवक बनोगी, क्या तुम्हें पसंद है ऐसा होना, क्या तुम चाहोगी कि तुम सेवक की सेवक बनो, तो मुझे लगता नहीं मैं तुम्हारे योग्य हूं कहीं से भी। तो शुभनगर को समझ में आ गया कि ये दोनों भाई मेरे साथ पिंग पॉन्ग खेल रहे हैं, तो शुभनगर ने समझ लिया कि ये सब झगड़ा ये सीता की वजह से चल रहा है, अगर ये ना हो तो मेरा यही कांटा है, ये मेरे राज्य का कांटा है। तो शुभनगर ने जाते सीधा सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो जैसे ही सीता के ऊपर आक्रमण किया तो भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण ने सीधा सर्जरी कर डाली और शुभनखा की नाक काट दी, और नाक कट के जब नदी की दूसरी तरफ कट गिरी तो वो आज नासिक कहलाने लगा, नासिका जहां गिरी शुभनखा की तो उस शहर को आज नासिक कहा जाता है। तो शुभनखा ने अपने दो भाइयों को बुलाया खर और दूषण, और वो 14,000 सैनिकों के साथ आ गए। तो जब खर और दूषण ने शुभनखा का हाल देखा तो उन्होंने पूछा ये किसने बनाया तुम्हारा हाल, तो शुभनखा बड़े सुंदर उत्तम श्लोकों में भगवान राम का गुणगान करते कहते बड़े दो सुंदर युवक हैं वहां पर और वो बड़े आभावान प्रतीत होते हैं, अगर आप ये ना पढ़े कौन बोल रहा है तो आपको लगेगा जैसे कोई व्यासदेव जी या कोई महान भक्त भगवान का गुणगान गा रहा है, वो इतना गुणगान करती है भगवान राम और लक्ष्मण जी का कि इन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो जैसा ही हर और दूषण ने ये सुना कि शुभनखा क्या ऐसा हाल हमारी बहन का, ऐसा हाल इन दो मनुष्यों ने ऐसा बना दिया, तो वो तुरंत उन पर आक्रमण करने आए। तो लक्ष्मण ने भगवान राम को बोला आप सीता को लेके अंदर जाइए, मैं इन सब से डील करता हूं। लेकिन भगवान कहते लक्ष्मण ये तुम नहीं मैं करूंगा। तो लक्ष्मण कहते भैया आपके लिए ये काफी नहीं है, मैं कर लूंगा इनसे डील, ये मेरे लायक है। तो भगवान कहते नहीं नहीं लक्ष्मण ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम जरा अंदर जाओ, क्योंकि पहले सीता जी ने एक बार राम जी को चुनौती दी थी कि कंधे पे धनुष डाल के घूमते रहते हो कभी इसका कुछ उपयोग भी करते हो क्या, हमेशा धनुष ही लटका के घूमते रहते हो कभी, आज तक मैंने उपयोग करते देखा नहीं तुम इसका, कहीं मेरे पिताजी ने किसी गलत व्यक्ति से तो विवाह नहीं कर दिया। तो भगवान राम को याद की बात आ गई, बोले इसलिए कह रहे थे मेरे घर का मामला है, तुम जरा अंदर जाओ, आज समय आया मुझे अपने धनुष की उपयोगिता को प्रूव करने के लिए, ये धनुष लगा के क्यों घुमा करता हूँ। तो बस भगवान राम ने 1.5 घंटे के अंदर 14,000 सैनिक और खर और दूषण सबको मार, बस एक ही बच गया, और वो भी कैसे बचा, उसने देखा ये तो कैसे काले गोले की तरह मारे जा रहे हैं, तो एक साड़ी पड़ी हुई नजर आई उसे साड़ी ओढ़ ली, तो भगवान राम ने सोचा कोई स्त्री है, और ये बच के रावण के पास जाता है, और ये बच के भागता हुआ रावण के पास जाता है। तो जब 1.5 घंटे के समय में 14,000 सैनिक और ये खर दूषण जैसे महान योद्धा मारे गए, तो जानकी जी बाहर आए, बोले अगर आज मेरे पिता जनक महाराज ने ये सब देख लिया होगा तो मेरी 100 बहनों की शादी आपसे करवा देते, अच्छा वो यहाँ में नहीं हूँ। तो कहते आज समझ में आया कि आप धनुष लेके क्यों घुमा करते थे, कम से कम आज आपने प्रूव कर ही दिया कि मेरे पिता ने किसी गलत को नहीं चुना मेरे विवाह करने के लिए। तो इधर से ये जो साड़ी पहन के असुर भागा था, इसका नाम था अकंपन, नाम था अकंपन लेकिन रावण के सामने कांपता हुआ पहुंचा था, तो जब कांपता हुआ पहुंचा था तो अकंपन क्यों काम करते थे, थोड़ा मूर्ख था रावण का जो व्यक्तित्व था उसके सामने कोई खड़ा होके कुछ बोल भी नहीं पाता, कुछ कह भी नहीं पाता था कोई, क्योंकि 10 मुंह देख कर लोग वैसे रावण को देख के भयभीत हो जाते थे, आप कल्पना करके देखिए किसी के 10 मुंह, तो रावण को देख के वैसे लोग भयभीत रहते थे, और कोई सैनिक कोई मंत्री रावण के आगे खड़ा ही नहीं हो पाता था, ऐसा नहीं जैसे हम टीवी में या कहीं और देखते होंगे कि रावण को एक ऐसा कॉमेडी कैरेक्टर बना देते हैं जो बस हंसता रहता हा, ऐसा नहीं है रावण। तो रावण बड़ा भयानक और बड़ा बुद्धिमान किस्म का व्यक्ति था, बुद्धि का दुरुपयोग करता था, तो ये अकंपन जो था रावण से कभी डर
इसलिए इसका नाम कंपन था। तो ये रावण को देखे सीधा बोलता था रावण रावण, तो रावण ने बोला क्या हो गया, इतना डरा हुआ क्यों है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोला क्या हो गया, बोला दो मनुष्यों ने तुम्हारे भाई कर्दूषण को मार डाला। बोले अच्छा, बोला यही नहीं 14,000 तुम्हारे सैनिकों को भी मार डाला। और इसीलिए यह कंपन था, ये सीधा रावण से बिना डरे कुछ भी बोलता जाता था। और एक और तुम्हारी बहन सूर्पनखा, जैसा ही बोला वो आगे बाप रे, और वो आगे रोते रोते हुए रावण को कहती है, देखो रावण क्या तुम्हारे पास इतनी हजारों रानियां हैं, किसी काम की नहीं है वो, एक बार जाके सीता को तो देखो तुम, उसको देख लोगे तो लगेगा सब तुम्हारे पास थर्ड क्लास होगी भरे पड़े, एक बार जाके। तो जब ये सूर्पनखा रावण के सामने इतना गुणगान करने लगी माता सीता का, तो रावण को उसका काम जागृत हुआ और वो सोचने लगा ये सीता को कैसे मैं अपने महल में ले रहा हूं। और यहां पे रावण ने मारीच को बुलाया। अब ये मारीच को जब बताया अपनी योजना, तो मारीच कहता है मैं नहीं करूंगा ये काम। बोले जब ये राम जी की बात कर रहा हूं, इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, अभी ये पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं होते थे, ट्रेनिंग चल रही थी, तो 12 साल के थे और मुझे एक तीर मारा था और 800 बिंदु जाके गिरा था, और अभी तो पता नहीं क्या करेंगे, ये मेरा हाथ बनाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो जो 14,000 लड़ने जा रहे थे, दो को मैंने समझाया था मत जाना इसके सामने, ये क्या तुम्हारा हाल बनाएगा, तुम इनके सामने मत जाना। तो रावण को कहता है कि जिस दिन से वो तीर लगा है ना मुझे, उस दिन से मैंने अपने असुरी काम छोड़ दिए हैं, और छोड़ के अब तो बस बैठ के मैं भजन करता हूँ, राम का ही नाम लेता हूँ सारा दिन, और कुछ नहीं करता। और तुम मुझे बोल रहे हो उसका सामना करने जाना है, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो मारीची तो रावण को परामर्श देने लग गया कि देखो अगर तुम खुश रहना चाहते हो अपने इन 10 सालों के साथ, तो मेरी बात सुन लो, इस रावण के साथ ये राम के आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो ये रानियां तुम्हारी हमेशा बनी रहे, तो राम से तुम्हारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, तो तुम जाओ अपने 10 सालों के साथ लंका वापस और वहां आनंद लो, ये सब छोड़ दो सीता पिता का विचार। तो रावण हालांकि उसके पास सारा ऐश्वर्य था, लेकिन सिर्फ एक इच्छा ने रावण को इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद डुबो दिया। इसीलिए आचार्य कहते हैं अगर एक इच्छा रावण को समाप्त कर पाई, तो हम सबके हृदय में असीमित इच्छाएं भरी हैं, और वो असीमित इच्छाओं को जो कि हम दिन रात पूरा करने के लिए परिश्रम आदि में लगे रहते हैं, वो क्या हाल हमारा बताए। तो ये इच्छाएं एक व्यक्ति की मुक्ति और एक व्यक्ति के बंधन दोनों का कारण बन जाती है, और इसीलिए इन असीमित इच्छाओं के कारण हम भगवान की भक्ति के मार्ग में होते हुए भी, तो भक्ति करते वक्त भी ये हृदय की इच्छाएं भोग इच्छाएं जब बनी रहती हैं, तो भक्ति करते हुए भी ये जो भोग इच्छाएं हैं हमें भक्ति मार्ग में भी संतुष्ट नहीं रहने देती, हमें भक्ति के मार्ग में भी प्रगति नहीं करने देती। तो इसीलिए इन इच्छाओं को जब तक भगवान की सेवा में ना लगाया जाए, ये अच्छी इच्छाएं हमें सिर्फ मात्र अशांति के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। और आज मनुष्य इन इच्छाओं की पूर्ति किस किस तरीके से नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी के पास एक उनके शिष्य आकर कहते हैं, प्रभुपाद जी आज मनुष्य चंद्रमा पे भी चला गया है, और मैंने तो ये भी सुना है कि चंद्रमा पे वो लोग जमीन बेच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी सभी लोग अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी चंद्रमा पे चले जाएंगे। तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी वहां क्या करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं वहां जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम जो यहाँ कर रहे हैं वही जाके हम चंद्रमा पे भी करेंगे, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो चाहे आप दिल्ली में रहे, चाहे आप चित्रकूट में रहे, चाहे आप बॉम्बे में रहे, कहीं भी रहे, भक्त क्या करते हैं, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही कार्य है, गृह था को मन था को सदा हरि बोलेगा, चाहे घर में रहे चाहे मन में रहे, लेकिन सदा हरि के नामों का उच्चारण हम अपने जीवन के अंदर करते रहते। श्रीला प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस के विनस बीच के ऊपर अपना सुबह का प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे और एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी ये जो समुद्र है देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता है, कैसी बड़ी बड़ी महान लहरें आ रही हैं इसके अंदर, इसका दृश्य देख के कितना आंखों को सुख और अनुभूति हो रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं समुद्र दूर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, अगर निकट जाओगे तो बड़ा भयावह लगता है। उसी तरह से ये भौतिक इच्छाएं, इस जगत को भोगने की इच्छाएं, इस जगत को हमारे सामने बड़ा ऐश्वर्यशाली और साथ में बड़ा वैभवमान दिखा सकती हैं, लेकिन अंततः ये संसार दुखालयम अशाश्वतम ही है। अब देखिए वो परम भगवान राम, राम शब्द का अर्थ है जो सारे आनंद के स्रोत हैं उन्हें राम कहा जाता है। तो जो सारे आनंद के स्रोत हैं वो है राम, और अब वो ही राम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपने परिवार को आनंद नहीं दे पाते, तो वो आनंद के स्रोत राम जब भौतिक जगत में आए तो अपने परिवार को दुख से बचा नहीं पाए। ये संसार दुखों का घर है, तो चाहे हम भगवान के संबंधी बनकर भी इस जगत में क्यों ना आए तो इस जगत के नियम तो अपने अनुसार ही काम करेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में भौतिक देह में निवास करते हैं इन दुखों का अंत नहीं हो सकता, सिर्फ रूप बदलेगा लेकिन दुख आएंगे जरूर, क्योंकि रहते हैं दुखालय में। आज वो किसी रूप में है तो कल किसी और रूप में आ जाएंगे। तो भगवान राम की ये लीला हमें समझाती है कि वो परम आनंद के स्रोत भी अपने परिवार के सदस्यों को वेदना से बचा नहीं पा रहे। जब भगवान कृष्ण थे तो पांडव लोग कितने मृत्यु का सामना कर रहे थे, संकटों से होकर गुजर रहे थे। द्रौपदी जो पांडवों की शुद्ध भक्त थी किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया, महात्मा विदुर कितने महान भक्त थे दुर्योधन के द्वारा धक्के मार के हस्तिनापुर से उन्हें निकाल दिया गया। तो महान भक्तों के जीवन के इतिहास में ये दिखाई देता है जो भी इस जगत में आया है दुखों का सामना उसे करना ही होगा। अब अंतर इस बात का है कि जब दुख आए तो आप दुखी हो या ना हो ये आपका चुनाव है। दुख तो आएगा, दुख आएगा, लेकिन दुख के आने के बाद भी हो सकता है आप दुखी ना हो, और हो सकता है दुख के आने पे दुखी हो। तो ये भक्ति मार्ग इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, ये भक्ति मार्ग इस बात का आश्वासन देता है कि दुख तो आएंगे लेकिन आप दुखी नहीं हो। ये दोनों अलग अलग स्थिति है, दुख का होना और दुखी होना। तो स्वयं भगवान राम के इतिहास में भी हम इस बात को देखते हैं कि वो भगवान तो गुणातीत अप्रभावित थे, सभी प्रकार की कठिनाइयों से चुनौतियों से सभी प्रकार के गुणों के प्रभाव से, लेकिन अभी उनके परिवार के सदस्य भी उनके इन कष्टों में भागीदार हो रहे हैं। लेकिन कठिनाई क्या है, हम कितना भी गीता भागवतम में रामायण महाभारत जैसे इतिहास में इन अनेक उदाहरणों को सुने पढ़े भी, फिर भी मध्य अवस्था में हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना चाहते। एक भक्त उसको आदत थी रेड लाइट क्रॉस करने की,
तो एक दिन रेड लाइट क्रॉस कर रहा था ना, ट्रैफिक पुलिस वाला सामने आके खड़ा हो गया, बोला दिखता नहीं है कि सिग्नल हो गया था, बोला दिख रहा था लेकिन आप नहीं दिख रहे थे इसलिए नहीं रुका। तो कुछ लोग कितना भी सुन ले, लेकिन वो इस बात को अपने हृदय में उतरने नहीं देना चाहते। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे थे, बाहर से समुद्र देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, बाहर से ये जगत देखने में बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन जब समुद्र के भीतर जाए तो उसकी लहरों में बड़े बड़े कुशल तैराक भी विफल हो जाते हैं। चाहे एक्सपर्ट स्विमर्स हो, लेकिन जहां समुद्र में तैराकी की बात आती है वहां हर कोई व्यक्ति उसमें स्विमिंग नहीं कर सकता, वो भयाव है। उसी प्रकार से हम कितने भी निपुण क्यों ना हो इस संसार में, लेकिन इस भौतिक जगत में इस भव सागर की लहरों में तैराकी करना आसान नहीं। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी इसमें विफल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इतिहास, इतिहास का मतलब है जो हमें शिक्षा देने के लिए बना है। रामायण एक इतिहास, तो ये इतिहास हमें शिक्षा दे रहा है कि जो दशरथ जी अनुभव कर रहे थे, जो भगवान राम अनुभव कर रहे थे, वो सब हम अपने जीवनों में आए दिन अनुभव करते हैं, लेकिन वो उन दुखों का सामना करते हुए भी दुखी नहीं थे, लेकिन हम सब छोटे छोटे कारणों से अपने मन को व्यथित कर बैठते हैं। तो ये इतिहास हमें बल देता है कि कैसे हमें अपने जीवन की आई चुनौतियों का सामना करते हुए निर्भय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण